शिविर को मतलब किया गया पहले पहले पर लगी रन का कोई इजाफा नहीं। अब भी स्कोर शून्य एक एक के नुकसान पर पहली ओवर की तीन गेंद हो चुकी है। आपको क्या यहाँ पर मुझसे काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे गेंद बदलने के बाद अंदर की तरफ आ रही है तो बैट्समैन को मुश्किल हो रहा है। आपको क्या बैट्समैन को फैसला आगे खेलना चाहिए? जी हाँ, बैट्समैन को चाहिए कि आगे खेले। सोहेब ने जो पहली गेंद डाली शार्ट और दूसरी गेंद जो डाली है बिल्कुल शार्ट गेंद डाली है तो सीधे वहां पे सोहेब चौथी मात्रा में दौड़ना चल गया। तेज हुए अच्छी कम मेरे साथ यहाँ पर कुलगाम से क्या लगता है मेरे यार? आपने बड़ा खुशियन माने हम किसे कम नहीं है खटे हरी को खटे खटे जाके इतनी पागी की लगते थे नहीं की क्या लगता है इसके बारे में? शेर खुल से बेखबर हो भाईजान, टाइगरों की वारी आनी होती है बाकी। जानते हो पाकिस्तानों का मैच है जब शाहिद आफरीदी की एंट्री होती है आठवीं बारी। अभी तो मैच खत्म नहीं हुआ है, मुझे लगता है यहाँ पे जो अच्छा खेलेगा वो मैच जीतेगा। इट डज नॉट मैटर दैट मैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से हूँ, अगर शुपियन वाले अच्छे खेलेंगे लेकिन एज ए डिस्ट्रिक्ट मैं सपोर्ट करूंगा अपने डिस्ट्रिक्ट को, लेकिन मुझे नहीं लगता किस बात की जल्दी है। ये तो बोल्ड हुआ लेकिन पहले बल्लेबाज ने ऐसे विकेट गवा दिया जैसे जल्दी है। अब नए बल्लेबाज कौन आए हैं, नाम क्या है इसका? नेम नेम ब्रदर उमर 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 अभी पहला ही ओवर है यार, आराम से खेलो, कम से कम चार ओवर ले लो आप, फिर देखोगे रन खुद ब खुद बन जाएगा। लेफ्ट साइड कवर करो, वाइड एज छोड़ो, शॉर्ट पिच गेंद को अनार जल्दी से खेलो, एक दो सिंगल ले लो, सिंगल रोटेट करो फिर मजा आएगा गेंद में। लाइन थोड़ा चेक कीजिए आप, शायद आप लाइन को भी अच्छी तरह से चेक नहीं कर पा रहे। शुभान के तो पूरे वास्ते ऐसे ही दबाव लग रहा है आपको, अगर आपको मैच जीतना है ऐसे ही दबाव रखिए आप। ये बोलर 175 की स्ट्राइक रेट रखता है, क्या ये उस स्ट्राइक रेट पे चलेगा? पांचवें मर्तबा बोलर बॉलर बड़ी रन के साथ आए गेंद की अंदर को प्रयास किया गेंद की बढ़िया गेंद लेफ्ट साइड में गेंद को मारा लेकिन वाइट करियर वाइट। ऐसे देखिए आप लेफ्ट साइड को एज पे ना दीजिए, ऐसा ना हो कि आप तीसरा विकेट गवा बैठे। और बड़ी देर के बाद मेरे डिस्ट्रिक्ट का अकाउंट खुल चुका है एक रन दो विकेट के नुकसान का, बहुत ही ज्यादा डैमेज। इस डैमेज को आप फुल कर सकते हो अगर आप चार ओवर कम से कम मिनिमम नॉट मैक्सिमम आई हैव टू से दैट मिनिमम यू हैव टू टेक एटलीस्ट फोर और फाइव ओवर। बॉलर बढ़िया बॉलिंग करते हुए आए गेंद की अंपायर को क्रॉस किया आए गेंद की बढ़िया गेंद लेकिन समझ नहीं पाए बीट किया फिर से शॉर्ट गेंद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन थोड़ी और बीट भी बढ़ गई लेकिन बीट हुए मैं कहूंगा बीट ही हुए। यहां पे आप गेंद को आराम से देखिए लाइन चेक कीजिए फिर से और वाइड इसको छोड़िए और कोशिश कीजिए सिंगल रोटेट करने की। और मुझे लगता है कि शुपियन इस वक्त प्रेशराइज कर रहा है कुलगाम को और कोशिश होगी अगर आप स्ट्राइक रोटेट करेंगे मैच में मजा आएगा वरना आप जल्दी जल्दी विकेट देते रहेंगे और मैच इनके हाथ में जाता जाएगा। एक तितामी ओवर अपने दो विकेट लेते हुए बड़े हिम्मत के साथ बॉलर आए गेंद की अंपायर को प्रयास किया बढ़िया गेंद लेकिन एक रन मिलेगा यार आप दौड़िए लेग वाइज करा रहे बैट से नहीं आया है बैट से आया है। एक ओवर के समाप्ति के बाद दो रन दो गेंद के नुकसान में इक्वल टू इक्वल जितने रन उतने विकेट। क्या दूसरा ओवर इसी पे आएगा या दूसरा ओवर रन की भूषण करेगा देखने वाली बात होगी। थोड़ा दोनों बातचीत कीजिए कम से कम स्ट्राइक रोटेट के लिए दो तीन सिंगल लीजिए फिर मजा आएगा गेम में जल्दी ना करिए कोई जल्दी नहीं ये 20 ओवर का मैच है। आकिब साहब आए और मैं इसके बारे में उतना नहीं जानता हूँ शुपियन के साथ मेरे भाई है क्या तारीफ ये करेगा इसके बारे में? हाँ बहुत ही बढ़िया बॉलर है आकिब। आकिब का जो रन है वो 10 या 20 कदम से होगा। नहीं उन्होंने मेरे साथ नहीं खेला वरीस मलिक उनका जो तेज बॉलर है तेज शैब अख्तर की तरफ गेंदबाजी करता है डॉट एक्शन किया तेज हुए अंपायर को क्रॉस किया ये गेंद इस गेंद को खेल दिया है हल्के हाथों से वहां पे खिलाड़ी मौजूद बिना किसी रन के इस गेंद पर दो रन स्कोर और दो विकेट नुकसान कुलगाम। तो शुपियन का जो टीम है वो अच्छा टीम है और कुलगाम का जो समझू टीम है बैलेंस टीम है और यहाँ पे 32 टीमों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है इसमें से दो टीमें उभर कर आए हैं रावलपुरा और अश्मजी कुलगाम। दो नेचर के आखिर ने अंपायर को क्रॉस किया
गेंद उठी नहीं, नीचे रही गेंद, तो गेंद आई कीपर की दास्तानों में किसी रन का इजाफा नहीं। बेहतरीन बॉलिंग, जितनी तारीफ उतनी कम इस बॉलर। तो पहले जो शोएब जो डाला है दो रन दे दिए और दो विकेट हासिल किए हैं। शानदार बॉलिंग, जितनी तारीफ शोएब की उतनी कम है। और आखिर कुछ है लाइन हो, लेकिन किसान गेंदबाजी करे, गेंद आगे डालने की कोशिश करे, गेंद गुड स्पॉट पर गेंद डाले और शॉट ना करे, वाइड ना करे। और बैट्समैन को वो चाहिए कि वो आराम से खेले। आपका जो प्रेशर है बहुत ही प्रेशर है, इस तरह आपने दो विकेट गवाए। एक बार फिर बॉलर, ओहो शानदार गेंद की है और सर की जानी शॉर्ट कल की जानी से वहां पे खिलाड़ी आए, एक बनाने का मौका। इस एक के साथ स्कोर जा पहुंचा 3-3 पर। दो खिलाड़ी आओ मेरे साथ यहाँ पर, जो कुलगाम से मेरे भाई है उन्हें मुझे पहले बताया कि कसके रखा है शुपियान के जो बॉलर है, शानदार बॉलिंग और सोहेब और इस वक्त जो आमिर, शानदार बॉलिंग। तो क्या लगता है जो किस तरह की बैटिंग करनी होगी कुलगाम को, किस तरह खेला होगा कि प्रेशर बहुत है? मेरे साथ यहाँ पर मेरे भाई, बड़ा शुक्रिया मैं करूंगा आप भाई को। देखिए भाई, अगर ये स्ट्राइक रोटेट करेंगे तो मजा आएगा, अगर ये ऐसी बैठ गई तो प्रेशर इनके यहाँ पे बढ़ेगा। फिलहाल मैं इस बॉलिंग की बात करूंगा, बॉलर बड़े रन के साथ आई गेंद की, बढ़िया गेंद, लेकिन क्या है, चार रन, ये बड़ा अच्छा शॉट आ रहा है इसे। मिसफील्डिंग की जरूरत नहीं आपको, अगर आप इसको दबाव में रहना चाहते हैं गुलगाम वालों को, तो कम से कम आप स्लिप रखिए और एक दो और विकेट लगाइए। और जो जिस तरह से गुलगाम वाले अभी तालमेल कर रहे हैं, यही तालमेल की जरूरत है। अब आपने बाउंड्री मारी है तो जल्दी ना करें, मैं इनके एक गुजारिश करना चाहता हूं, कम से कम दो तीन सिंगल ले लिए, आपको बाउंड्री भी मिल जाएगी, आपको वाइड भी मिल जाएंगे, तो आराम से खेलिए, कोई जल्दी की नहीं करनी है आपको। बॉलर दीजिए इस ओवर में, बॉलर तीसरी मरतबा सामना करेंगे बैट्समैन, अभी भी काफी अच्छे शॉट के लिए गेंद को गाइड किया है, उसकी जहां से गेंद एक जंप खाने के बाद बाउंड्री से बाहर चली गई। चार उसके लिए शिकुर साथ, दो विकेट के नुकसान पर इस ओवर में आखिर सामना करेंगे बैट्समैन, खेलने के लिए तैयार। काफी छोटे गेंद का मालिक है, 5 फुट 4 इंच के खाद होगा, काफी अच्छा बैट्समैन है, दौड़ना शुरू किया, 5-6-10 का है। हम बगल प्रयास किया गया, अच्छे गेंद का खेला गया, उसने कर दिया बात हुई क्योंकि वहां पर फिल्म मौजूद है, एक और उसके मैच में बच चुका है, अंपायर का इशारा बाकी होगा, दो रन का इजाफा स्कोर में, दो और इजाफा स्कोर में, दो विकेट के नुकसान पर मैच में इस तरह से जो क्यों नजर नहीं देने होगी यहाँ पर कुलगाम को। वो तो मैंने इनको पहले ही गुजारिश की थी कि आप जल्दी ना करें, एक ही सिंगल ले ले, एक को डबल पे ना करें, तो ये आप बेहतर भी कर रहे हैं ना बेहतर भी कर रहे हैं, प्रेशर करिए शुक्र वालों को, ऐसा अच्छा रहेगा, कम से कम 5 से 7 ओवर तक आपको खेलना है भाई, अगर आपको मैच में वापस आना है। अभी तो बैलेंस मुझे लग रहा है क्योंकि जिस तरह आपने बाउंड्री मारी है बहुत अच्छा लगा, इसी तरह आप सिंगल रोटेट के लिए दबाव लाइए, इनको दबाव में टीम आ गई तो आपको मजा आएगा। शुक्र वालों को चाहिए कि वो फील्डिंग को टाइट करें, कस के रखें, स्लिप को और मजबूत करें, फील्डर को थोड़ा आगे आगे लाए, फिर मजा आएगा। बॉलर बड़े रन के साथ आए, गेंद की बढ़िया गेंद, लेकिन एक्शन में बढ़िया शॉट, ये जो इसका बढ़िया से जोन है, इस लीजिए एक और चौका, क्या शॉट मार रहे हैं लेग साइड में, इसी के साथ चेंज हुआ, क्या शॉट मारे आपने, खुश हुआ मैं, ऐसी शॉट मारी आप, गैप देखिए, गैप टूटी है, एक ओवर में कम से कम एक बॉडी मारी, आप सिंगल लीजिए, दबाव खुद का खुद इनके पास आएगा। और शुक्र वाले चाहिए कि वो शायद जो लेग साइड में है एक फिल्टर थोड़ा लूज है, आपने ज्यादा फील्डिंग ऊपर लगाई है, गेंद कहीं और मार रहे हैं, फिल्टर कहीं और है, थोड़ा फील्डिंग में नजरी लगा रही है आपको। बॉलर ये पहले ओवर इसने 2 विकेट लिए थे, क्या बॉलिंग की थी इसने, 2 ओवर 2 विकेट, सोहेब नाम, क्या नाम है, नाम भी बढ़िया है, बॉलिंग भी बढ़िया है, शॉट गेंद कर रहे हैं, शॉट गेंद रहे, बॉलर को बैट्समैन को मजबूर कर रहे हैं खेलने के लिए, यही आपकी बात है। बारिश नहीं पड़ेगी भाई, इंशाल्लाह फाइनल होने के बाद अगर पड़ेगी तो चलेगा, लेकिन अभी नहीं होनी चाहिए वो आज, यही तो मैं चाहता हूं, आप चक कीजिए लाइन को, चक कीजिए वाइड छोड़िए, सहेब बॉलर आए, गेंद की बढ़िया गेंद, लेकिन आप देख रहे हैं नजरें कहीं और है, निगाही कहीं और है, घुमाते कहीं और, इसका मतलब बॉलर में वैरायटी है, अगर आपके पास बॉलर में वैरायटी है तो आप आराम से खेलिए। आप देखिए गेंद कहां पे मारते हैं, वो कहां से स्विंग हो रही है, गेंद टर्न भी हो रही है और ट्रिप भी हो रही है, तो आराम से खेलो, सिंगल ले लो, इतना जल्दी नहीं आप बाउंड्री ले लो, आपके पास अगला ओवर है उसमें।